भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में एक है जगन्नाथ रथ यात्रा। इस पर्व का सबसे शानदार आयोजन विशेषकर उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि भारत के चार धामों में से एक है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरा स्केड्यूल जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जीबीटी अध्यात्म। पुरी के साथ ही देश के अन्य शहरों में भी रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन पर्व को भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व मंगलवार 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। रथ यात्रा पर्व से धार्मिक और पौराणिक कथाएं व मान्यताएं जुड़ी हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इन 3 रथों को सिंह द्वार पर लगाया जाता है और इसके बाद मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर वस्त्र आदि पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर प्रतिमाओं को रथ में बैठाया जाता है। जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठा दिया जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ मंडप की सफाई की जाती है। इसे छर पनहरा कहा जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों की खींचते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ को गुंडीचा मंदिर के पास रोका जाता है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ रथ 7 दिनों तक ठहरता है, जिसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रथों को मुख्य मंदिर की ओर फिर से ले जाया जाता है और मंदिर के ठीक सामने लगाया जाता है। लेकिन प्रतिमाओं को रथ से निकाला नहीं जाता है। आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन मंदिर के द्वार देवी देवताओं के लिए खोले जाते हैं और फिर श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके साथ ही रथ यात्रा का पावन पर्व संपन्न हो जाता है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जीबीटी अध्यात्म के साथ। नमस्कार।